डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट EVS, टॉपिक जस्कट गोज़ टू स्कूल। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। अब्दुल आस्केड, बट वुड यू वांट टू गो टू स्कूल इफ़ यू कुड? जस्कट वाज एक्साइटेड। शी सैड, ऑफ कोर्स आई वांट टू गो टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। आई वांट टू स्टडी एंड प्ले। तो अब्दुल ने उसे पूछा, क्या आप स्कूल जाना चाहती हो, आप स्कूल जाओगी? तो जस्कत जवाब देती है, वो एक्साइटेड हो जाती है स्कूल जाने के लिए और वो जवाब देती है, हाँ मैं जाऊंगी। आई वांट टू गो स्कूल जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। हाँ मैं स्कूल जाऊंगी जैसे आप सब लोग जाते हो, आप ही की तरह मैं भी स्कूल जाऊंगी। आई वांट टू स्टडी एंड प्ले, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और खेलना चाहती हूँ। ये चस्कत जवाब देती है कि मैं भी पढ़ना और खेलना चाहती हूँ आप लोगों की तरह। हर मेमली ग्रैंड फादर स्टॉप्ड हर एंड सैड। उसका जो दादा थे वो उन्होंने उससे कहा, चस्कत डू नाट ड्रीम, आप ख्वाब मत देखो। यू नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आप ये अच्छी तरह से जानती हो ये पॉसिबल नहीं है, आपका स्कूल जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो टांगे हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही, आप बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हो, तो आप कैसे स्कूल जा पाओगे, ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, आपके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। What are the things that you enjoy doing in school? तो आप स्कूल जाके कौन सी चीज़ है जिसको आप इंजॉय करना चाहती हो? Do you like going to school? क्या आप स्कूल जाना पसंद करती हो? How you feel if you could never go to school? अगर आप स्कूल कभी नहीं जाओगी तो आपको कैसा फील होगा? Abdul went back from Chuskert's house, but he had started thinking of how to get Chuskert to school. तो वो जब वापस आया तो इसके घर से, तो वो पूरा जो दिन था वो सोचता रहा रात को भी कि वो कैसे स्कूल जा पाएगी। He explained about Chuskert to the headmaster and talked to टीचर्स टिल दे एग्रीड विद हिज थाट्स। तो उसने टीचर्स को भी बताया और हेड मास्टर को भी, तब वो उसकी बात से सहमत हो गए, सब तैयार हो गए कि हम मदद करेंगे ताकि जो चस्किट है वो स्कूल आ सके। नाउ एवरी वन गॉट टुगेदर टू वर्क सो दैट चस्किट्स प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व। तो सब लोगों ने मिलजुल के काम करना शुरू कर दिया ताकि जो इसकी प्रॉब्लम थी चस्किट की वो सॉल्व हो गई। दे मेड ए प्लान सो दैट चस्किट कुड ब्रिंग हर व्हील चेयर बाय रोड टू स्कूल। उन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने एक प्लान बनाना शुरू किया ताकि जो चस्कत की व्हील चेयर है वो आसानी से स्कूल तक पहुंच सके, उसके घर से स्कूल तक आसानी से पहुंच सके। तो सब जो टीचर्स थे, हेडमास्टर या जो स्कूल के बच्चे थे, उन सब ने मिलजुल के क्या किया, उन्होंने जो रास्ता था चस्कट के घर से स्कूल तक का, उन लोगों ने क्या किया, उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया, तो ताकि जो चस्कट है वो उस रास्ते से आसानी से व्हीलचेयर ले सके। तो उन्होंने बिल्कुल उसको क्या कर दिया, आसान कर दिया, रास्ते को उन्होंने प्लेन बना दिया और जो था रास्ते में एक दरिया, तो उसके ऊपर उन्होंने एक पुल लगा दिया ताकि चस्कट उस पुल से भी व्हीलचेयर पे आराम से वो स्कूल तक पहुंच सके, ताकि इसका जो ख्वाब है स्कूल पढ़ने का वो पूरा हो सके।
तो ये तब पूरा हुआ जब उन स्कूल के बच्चों ने, स्कूल के टीचरों ने, सब ने मिल के इसका अब्दुल का साथ दिया, और अब्दुल ने भी, ये इन सब ने मिल के चुस्कट का रास्ता आसान बना दिया। तो इस तरह से चुस्कट जो थी वो स्कूल आ जा सकती थी अब। तो हमारा चैप्टर यहीं हम तो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।